वक्त बुरा था मैं झेलता गया, वक्त बुरा था मैं झेलता गया, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता गया। वक्त बुरा था मैं झेलता गया, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता गया। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता गया। लोगों की बातों को अपने मन में दबाए अपने सपने बुनता गया। लेकिन कैसे बताऊं मैं उन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा, जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा, और फिर उसी दिन ये पागल इंसान पूरा इतिहास बदलेगा। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आपकी बेसिक गणित के साथ। जो आपको टॉर्चर करते हैं या बहुत से आपकी ऐसे फैकल्टी में होंगे आपको सताते हैं इस तरह से, उनको इन लाइनों को सुना दीजिएगा जो आपको पागल समझते हैं। लेकिन हाँ, लाइनों को सुनाने के साथ इन लाइनों को साबित करने के लिए अपने कर्म के मार्ग से भी नहीं हटना है। आज हम पढ़ेंगे आपका ये पार्ट नंबर 24, इसकी अपडेट करेंगे हम। पिछली क्लास में कुछ गड़बड़ी थी, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो ये 4K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड होगा, फुल HD में 2160 पिक्सल में आप देख सकते हो। क्यूब रूट मतलब कि घनमूल हमें आज पढ़ना है। हो सकता है कि जब मैं फ्रंट पे आता हूँ तो ये सब बहुत डार्क मतलब लाइट हो जाता होगा, क्योंकि कैमरे की खासियत है, मैं इधर चेहरा करूँगा तो नॉर्मल हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले इनके क्या करते हैं साथियों, फैक्टर करते हैं। हम सबको मालूम है ये फैक्टर करना, मैंने बहुत बार सिखाया है। तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, और ये 2 × 7 = 14, और 2 × 2 = 4, ये आप सभी जानते हो। ऐसे फटाफट इनके फैक्टर कर लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा बताना है नहीं। नहीं जानते हो आप कमेंट करना, संपर्क करना, सब बताया जाएगा, फिर और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये 2 × 12, और ये हो जाएगा 2 × 8 = 16, और ये 2 × 12, ठीक है। इनका फिर से इसमें मल्टीपल करो तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए। देखो, 2 × 12 हासिल 1, और 2 × 8 = 16, 1 × 17 हासिल 1, 2 × 12 1 = 13, ठीक है। फिर से आप इसे 2 से काट सकते हो, ये ठीक है, ये इतना हो गया। 7 से काट दो आप, 7 × 28, और 7 × 9 = 63। फिर से इसे आप 7 से काट सकते हो, 7 × 7 = 49, ठीक है। और फिर से ये 7 × 7, हमें क्या करना है इसका घनमूल करना है। तो प्रिय मित्रों, अब इनको जितने भी फैक्टर के आपके नीचे आए हुए हैं, मतलब आपने जो काटा पीटा, इनको आप एक जगह इकट्ठा लिख लोगे, ठीक है। तो देखो, इधर साइड में स्पेस है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, 27 × 44 इक्वल 3 × 2 से और 3 × 7 से। तो ये मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उधर कट रहा होगा तो अभी मैं दिखा दूँगा कैमरा घुमा के, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये देखो, क्योंकि आज मैं कैमरे से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा मन था कि आज मैं इस फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर लूँ, भाई बहुत महंगा फ़ोन है ये भी। तो चलो, हो गया। अब इनके पेयर बन गए, 1 पेयर से 1 नंबर बाहर आता है, मतलब ये 2 इसमें से बाहर आएगा, इसमें से 7 बाहर आएगा। तो भैया हो, बाबू हो, इसका जो आंसर है वो 14 आएगा, 14 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो 14 है इसको अगर हम 3 बार गुणा करें, क्यूब करें, तो आपका ये 27 और 44 आएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, वैसे पूरा आ रहा, कहीं कटा नहीं कुछ भी, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, और बिल्कुल गौर से देखना। अगला है 74088, चलो लिखो 74088, मुझे पूरा ही मिटाना पड़ेगा। देखिए, जो भी छात्र PBR स्टडी एप्लीकेशन में देख रहे हैं, अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तो आपको ऐप के अंदर पूरा कोर्स मिला ही होगा, तो बच्चा आपको क्या करना है बाबू, ना नोट्स ज़रूर बनाना है, ठीक है, नोट्स अवश्य बनाना है, क्योंकि आपको सारे कंटेंट अच्छे से मिल गए हैं सुविधाजनक, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, नोट्स बनाइए और अभ्यास करिए। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे मैथमेटिक्स, उतना ही ज़्यादा आपसे लगाव करेगी, ठीक है। बहुत ही फ्रेंडली सब्जेक्ट है ये, बहुत ज़्यादा मोहब्बत मांगती है, मतलब आपके वाली से ज़्यादा मांगती है। अगर इससे ज़्यादा लगाव रखोगे, मतलब रिवाइज करोगे, बार बार दूरी नहीं बनाओगे, नज़दीकियाँ बना के रखोगे, तो मैथमेटिक्स कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, हर जगह आपको सफल बनाएगी। इनको क्या करोगे, 2 से काटो, 2 × 3 = 6। भाई ये काटने वाला कौन सा लफड़ा है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे होता है, अभी मैं बता देता हूँ। देखो, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 0, 2 × 8 = 2, 2 × 8 = 8, ये कैसे आया, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी। तो भैया हो, बाबू हो, राजा हो, इधर देखो, इनको ऐसे भाग करते हैं, ठीक है,
ये 74088 जो भी नंबर है, और जैसे मैंने जो नंबर इसके सामने लिखा था उससे इसको भाग करते हैं। तो ये भाग करना तो सब जानते हो। हाँ, ये लो 214। मैं इधर इसलिए देखता हूँ क्योंकि इधर देखूँगा लाइट बढ़ जाती होगी, ऐसा कुछ होता था पहले। ये क्लियर हो गया, ऊपर से आप जीरो उतार लो। तो भाई साहब जीरो बार जाएगा बाबू ये। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके फाइनल है। ऊपर से आप 18 उतारो, 4 बार जाएगा, फिर दूसरा उतारोगे फिर 4 बार जाएगा, वही आएगा। ये सही है कि नहीं सही है इसकी हम जांच कर सकते हैं। इसकी खोपड़ी पकड़ के इसमें गुड़ा कर दो, और बच्चा ये आ जाना चाहिए। हाँ कर लो, 2 चौक 8 2 चौक 8 0 2 7 14 2 3 6 7 ठीक है। फिर से अब इसी तरह से काटेंगे। अब ना पूछना काटने का मतलब क्या है, बता दिया ना। जो ऊपर प्राप्त होता है यही मून मतलब मेन चीज़ है, हमें यही चीज़ निकालना है, जिसे भागफल बोलते हैं गणित की भाषा में, क्वेशियंट बोलते हैं इंग्लिश में। ओके तो 2 एकम 2, ये 2 8 16 ठीक है, 2 5 10, 2 2 4 2 2 4 चलो आगे बढ़े, 2 9 18, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2। इसमें किसी को कोई आपत्ति विपत्ति समस्या नहीं ना बच्चा? ये 92 61 जो है ये किससे कटेगा भाई? ये मुझे ख़तरनाक लग रहा है, 3 से कट जाएगा ना, 3 3 9, 3 8 24 ठीक है, 3 3 9। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, इसमें मिस्टेक हो जाएगी। कैसे? 3 3 9 ना, 3 8 24 और 3 7 21 तो हम कर लिए। हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों? हमने कहा कि 3 3 9, 3 8 24, 3 7 21। बच्चा हो, भैया हो, बाबू हो, यहाँ पे ये देखो कि 387 का अगर हम 3 गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे तो क्या 9261 हो जाएगा? आप सोचो, 300 समथिंग है, अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 900 समथिंग आएगा ना, 9000 तो नहीं हो जाएगा ना। इसका मतलब गलत है ना। गलत कहाँ हुआ था? गलत यहाँ हुआ था, मैंने थोड़ा स्पेस इसी ले दिया था, ये बीच में जीरो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आप यहाँ भाग करोगे तो मालूम चल जाएगा 3 3 9 कम्प्लीटली कट जाएगा, फिर 2 में भाग जाएगा नहीं। हाँ तो आप 0 बार भाग ले जाओगे, फिर दूसरी बार में 6 भी उतार लोगे, ये मैंने भाग में सिखाया था। चलो अब इनको काटो भैया, 3 से फिर से ये कटेगा, पक्का कटेगा। 3 1 3 0, 3 2 6, 2 5 3 9 27। नीचे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं मालूम है भाई, देख लो समझ लो। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नीचे दिख रहा है, अभी एक लाइन और भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फटाफट देखते चलो, लाइट कम होगी तो बता देना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ब्राइटनेस में बहुत ज़्यादा नहीं किया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चमक हो जाती है। तो अभी और भी कटेगा, 3 से काट लो, 3 3 9, 3 4 12 और 3 3 9 ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 343 को यहाँ काट दो भैया, 3 4 3, 3 से कटेगा ही नहीं है, ये 7 से कटेगा बाबू, 7 से कटेगा, 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। अब फाइनल में आपका जो भी आ गया इधर साइड में ला के लिख लो, ढकेल के चलो लगा लो फटाफट। वैसे कैमरे से रिकॉर्ड करने में बेहतर होता है, चूँकि कैमरे से क्या है ना यार, उसमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है मुझे घूमने नाचने का। ये मोबाइल फ़ोन से करने पर ना खोपड़ी के सामने आके लग जाता, जैसे मीडिया वाले ना कोई बात हो जाती है मुँह में ला के माइक घुसेड़ देते, वैसे मेरे मोबाइल मुँह में घुसा होता है पास में, तो फिर मैं घूम टहल नहीं पाता ज़्यादा। चलो देखते हैं आगे, फिर मैंने कुछ चमक भी बढ़ा दिया है, मुझसे नहीं रहा गया क्योंकि पहला अभी वीडियो है मोबाइल से, तो मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल किया है। तो कहाँ तक पहुँचे थे हम? सब हो गया था, कटपिट गया था। नंबर था 74088 ना, इनके कितने गुणनखंड आए हैं? 3 टाइम 2 है, 3 टाइम 3 है और 3 टाइम 7 है, यानी एक एक जोड़ा सबका बनेगा भैया। हाँ सबका जोड़ा बन जा रहा है, आपका भी बना है कि नहीं, मतलब समझ रहे हो ना कि नहीं? हमारे स्टूडेंट बड़े समझदार होते हैं, वो सब समझ जाते हैं, आधा बोलो पूरा समझ जाते हैं। देखो 2 3 7, मतलब 2 3 6 7 42, कितना आएगा? 42, सही है कि नहीं? हाँ 42। एक चीज़ और है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, इसको मल्टीपल कर लो ना 3 बार, 42 × 42 × 42, अगर पूरा आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो फिर नहीं ठीक है। ओके चलें फिर आगे बढ़ें, इधर साइड कुछ छूटा तो नहीं था ना? हो सब छूट गया था, ये लो अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो फटाफट नोट करो भैया, स्क्रीन शॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, वीडियो को थोड़ा एक बैक करके देख लो, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो
ओके।